तो गाइस हमारे पास बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि केवल आप बड़े डीजे सेटअप के बारे में बताते हैं, आप छोटे डीजे सेटअप के बारे में बताइए जिसमें दो टॉप और दो बेस हो। तो गाइस आपके लिए यहां पर लेकर इस वीडियो में आ गए हैं जिसमें दो टॉप लेकर आए हैं दोस्तों और दो बेस लेकर आए हैं। इस डीजे सेटअप का सारा आप लोग स्पेसिफिकेशन और इसके फुल रिव्यू के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसको किस तरह से ऑपरेट करना है यानी इसका किस तरह से कनेक्शन करना है आप लोग को सब कुछ भी इस वीडियो में ही समझाने वाले हैं। और दोस्तों कौन सा एम्पलीफायर पे इतना सेटअप चलने वाला है यानी मेरा दो टॉप और दो बेस को कौन सा एम्पलीफायर पे इसको हम ऑपरेट करने वाले हैं दोस्तों, यानी दो टॉप और दोस्तों दो बेस को लेने में कितना खर्च बढ़ जाएगा ये भी आप लोग को इसी वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। यानी इसका कनेक्शन और इसका सारा स्पेसिफिकेशन और इसके प्राइस के बारे में सब कुछ इस वीडियो में दोस्तों बताने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल psdjvlogno में। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोग को मालूम है कि इस चैनल पे आप लोग को साउंड सिस्टम से रिलेटिव वीडियो देखने को मिलती है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सिंपली गाइस यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोग को यहाँ पर आहुजा सेटअप के बारे में बताने वाला हूँ जो कि यहाँ पर दो टॉप और दोस्तों यहाँ पर बेस के बारे में आप लोग को क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर आहुजा टॉप के बारे में बताएंगे जिसका मॉडल नंबर आप लोग को SPX 1210 देखने को मिलेगा। इसके पावर रेटिंग के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो इसका पावर रेटिंग आप लोग को 1000 वाटेज देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यहीं पर इसका प्रोग्रामिंग पावर आप लोग को 2000 वाटेज देखने को मिल जाएगा। 2000 वाटेज प्रोग्रामिंग पावर मीन्स क्या होता है कि अगर आप लोग का 1000 वाटेज का टॉप है और दोस्तों इसमें 2000 वाटेज कभी चला गया यहाँ पर पावर आउटपुट तो आपका स्पीकर झेल लेगा, वहाँ पर आपका स्पीकर बिल्कुल ही नहीं जलेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में। तो दोस्तों इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स आप लोग को 35 से 20,000 हर्ट्ज देखने को मिल जाएगा जो कि ये टॉप का फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स बहुत ही बेस्ट है। इसका लॉन्ग थ्रो बहुत ही काफ़ी आप लोग को सुनने को मिल जाएगा, जहाँ भी ये टॉप बजता है दोस्तों ये आहुजा का धमाल मचा कर रख देता है। दोस्तों आहुजा ही एक ऐसा साउंड सिस्टम है कि जिसपे आप लोग आंख मूंद कर भरोसा बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके नॉमिनल इम्पीडेंस के बारे में कि इसका इम्पीडेंस कितना हो जाएगा यानी इस टॉप को हम कितने ओम पे ऑपरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों इसका नॉमिनल इम्पीडेंस आप लोग को 4 ओम देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही ये काफ़ी बेस्ट है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके नेट वेट के बारे में कि ये टॉप का नेट वेट यानी देहात भाषा में बोले तो इस टॉप का वजन कितना हो जाएगा। तो दोस्तों इस टॉप का आप लोग का वजन आप लोग को 69.80 kg यानी लगभग 70 kg इसका वजन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो रहा टॉप के और इसके स्पेसिफिकेशन के और इसके सारे फंक्शन के बारे में। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इस टॉप का प्राइस कितना पड़ जाएगा। देखिए दोस्तों आपके मार्केट में 1000-2000 ऊपर नीचे हो सकता है, हमारे मार्केट में भी हो जाता है, बट दोस्तों हम आप लोग के यहाँ पे केवल अप्रोक्स प्राइस बताएंगे तो आप लोग वहाँ पे अपना मैनेज कर लीजिएगा। तो सिंपली गाइस इस टॉप का अप्रोक्स प्राइस आप लोग को 39,104 रुपया देखने को मिल जाएगा जो कि इतने प्राइस रेंज में ये टॉप बिल्कुल ही बेस्ट क्वालिटी का है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि यहाँ पर एक टॉप का प्राइस 39,104 रुपया है तो हमें इस सेटअप में दो टॉप लेना है तो दो टॉप का प्राइस कितना हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से 2 से और यहाँ से 39,104 रुपया से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका यहाँ पर टोटल कॉस्ट इसका हो रहा है 78,208 रुपया जो कि ये प्राइस रेंज बिल्कुल ही बेस्ट है। तो अब दोस्तों मेरा टॉप यहाँ पे दोनों कंप्लीट हो गया है, अब हम इसमें बढ़ेंगे अपने इस डीजे सेटअप में बेस में। तो सिंपली गाइस यहाँ पर बेस हम लिए आहुजा का बेस सब ऊपर स्पीकर जिसका मॉडल नंबर आप लोग को देखने को मिल जाएगा SWX 810 जो कि बहुत ही इसका मॉडल नंबर इक्वल है। दोस्तों इसके पावर रेटिंग के बारे में बात करेंगे तो इसका पावर रेटिंग आप लोग को 800 वाटेज देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यहीं पर इसका प्रोग्रामिंग पावर 1600 वाटेज देखने को मिल जाता है। आप लोग को प्रोग्रामिंग पावर के बारे में मालूम चल चुका है आगे। अब दोस्तों इसके बारे में फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में बात करेंगे तो इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स आप लोग को 38 से 200 हर्ट्ज देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही बेस्ट है। ये दोस्तों बेस बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का हैवी पंच देता है क्योंकि इसका फ्रंट पैनल पे इसका बेस लगा रहता है यानी फ्रंट बेस होता है तो जितना भी आउटपुट मिलेगा क्लियर आप लोग को आउटपुट ये निकाल कर देगा और दोस्तों वहाँ पे आप लोग का छाती हिला देगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके नॉमिनल इम्पीडेंस के बारे में, क्या सिंगल बेस है तो कितने ओम पे ये ऑपरेट होगा। तो दोस्तों इसका नॉमिनल इम्पीडेंस आप लोग को 8 ओम देखने को मिल जाएगा जो कि इजीली आप लोग 8 ओम पर इसे ऑपरेट कर पाएंगे एक बेस को।
अब दोस्तों यहीं पे बात करेंगे कि ये बेस का कितना वजन हो जाएगा, यानी इस बेस का नेट वेट कितना हो जाएगा। दोस्तों इस बेस का नेट वेट आप लोग को 55 केजी देखने को मिलेगा, जो कि ये काफ़ी वजन होता है, लगभग हाफ क्विंटल से थोड़ा ऊपर है दोस्तों। तो आप लोग को इससे दो आदमी को लेकर कहीं भी रखना पड़ेगा। ये अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे बेस का प्राइस कितना पड़ जाएगा, जो कि आहुजा का बेस है। तो दोस्तों आप लोग को मालूम है कि हर बेस से थोड़ा महंगा आता है, 1000-2000। तो दोस्तों कोई नहीं, यहाँ पर बेस का क्वालिटी बिल्कुल ही बेस्ट आप लोग को जबरदस्त मिलेगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसका अप्रोक्स प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इसका अप्रोक्स प्राइस 22,640 रुपया देखने को मिलेगा एक बेस का। तो दोस्तों हमें इस सेटअप में दो बेस लेना है, तो यहाँ पे दो बेस का प्राइस आप लोग को मल्टीप्लाई कीजिएगा 22,640 से, तो आप लोग का यहाँ से दो से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे 45,280 रुपया इजिली हो जाएगा। तो इस प्राइस रेंज में आप लोग यहाँ पर आपका चार यहाँ पर बॉक्स कंप्लीट हो जाता है, जिसमें दो बेस और दो टॉप हो जाता है। ये दोस्तों बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का बजेगा, बिल्कुल गर्दा उड़ा देगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इस सेटअप को चलाने के लिए हमें एक पावरफुल और हेवी एम्पलीफायर चाहिए। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग स्पीकर कुछ और क्वालिटी का ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्पीकर कितने वाटेज का ले लेते हैं और वहाँ पर एम्पलीफायर ज़्यादा वाटेज का लगा देते हैं या कम वाटेज का लगा देते हैं, तो उससे आपका साउंड क्वालिटी बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। और ज़्यादा वाटेज का एम्पलीफायर हो जाता है तो आपका वहाँ पर स्पीकर भी जला देता है। तो दोस्तों ऐसा होने वाला नहीं है, यहाँ पर आप लोग को पूरा क्लियर यहाँ पर मैचिंग के अनुसार आप लोग के लिए एम्पलीफायर लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का एम्पलीफायर है। ये भी दोस्तों एम्पलीफायर आहुजा कंपनी का है, जो कि डुअल चैनल पावर एम्पलीफायर है। दोस्तों इसका मॉडल नंबर के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो इसका मॉडल नंबर आप लोग को LX4500 इसका मॉडल नंबर देखने को मिल जाएगा। यहीं पर इसके पावर आउटपुट के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि इसका स्टूडियो और मोनोपीस का पावर आउटपुट कितना देखने को मिल जाता है। तो सिंपली गैस आप लोग को 8 ओम पे 1000 वाटेज पर चैनल देखने को मिल जाएगा और 4 ओम पे 1550 वाटेज पर चैनल देखने को मिल जाएगा और 2 ओम पे 2250 वाटेज पर चैनल देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो रहा इसके आउटपुट के बारे में। इसका लो पास फिल्टर भी इसमें एक फंक्शन दिया रहता है दोस्तों, जिसका लो पास फिल्टर आप लोग को 80 से 120 हर्ट्ज कर सकते हैं। यहीं पे समझने की कोशिश कीजिए कि जिस एम्पलीफायर में लो पास फिल्टर का ऑप्शन होता है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका लो पास फिल्टर का ऑप्शन है तो आप लोग एक चैनल पे बेस भी चला सकते हैं और दूसरे चैनल पे टॉप चला सकते हैं। लो पास फिल्टर को क्या होता है कि अगर लो पास फिल्टर को ऑन कर दीजिएगा तो वहाँ पर मिड और यहाँ पर झनकार कम हो जाएगा, यानी साफा बेस केवल आने लगेगा, और दोस्तों लो पास फिल्टर को ऑफ रखिएगा तो आपका टॉप उस चैनल में चलेगा। तो दोस्तों इसी माध्यम से हम इस एम्पलीफायर को लिए हैं, क्योंकि मेरे को एक ही एम्पलीफायर में दो टॉप और दो बेस चलाना है एक ही एम्पलीफायर में। तो दोस्तों यही होता है लो पास फिल्टर का काम। तो हम बात करेंगे इसके डंपिंग फैक्टर के बारे में। तो दोस्तों इसका डंपिंग फैक्टर आप लोग को 400 देखने को मिलेगा, जो कि बेस और टॉप के लिए बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है दोस्तों। आप लोग इसे इजीली यूज कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम और कोई इसमें फॉल्ट होने वाला नहीं है दोस्तों, लगातार चलेगा, कोई इसमें फॉल्ट नहीं होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इस एम्पलीफायर का वजन कितना हो जाएगा, यानी इस एम्पलीफायर का नेट वेट कितना हो जाएगा। तो दोस्तों इस एम्पलीफायर का नेट वेट आप लोग को 36.5 केजी आप लोग को देखने को मिल जाए। अब हम बात करेंगे कि एम्पलीफायर का मेरा प्राइस कितना हो जाएगा। तो दोस्तों इसका अप्रोक्स प्राइस आप लोग को 49,990 रुपया देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि आपके मार्केट में 1000 रुपया ज़्यादा हो या 1000 रुपया कम हो, आप लोग वहाँ पर अपना मैनेज कर सकते हैं और हो भी जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इस सेटअप को चलाने के लिए हमें एक यहाँ पर मिक्सर का ज़रूरत पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मिक्सर नहीं लीजिएगा तो बे मिक्सर का डीजे आपका बिल्कुल ही बेकार चलेगा, कहने का नाम ही भर केवल रह जाता है आपका डीजे। बट दोस्तों बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जो नया सेटअप लेते हैं तो वहाँ पर 3 चैनल और 2 चैनल और 4 चैनल का मिक्सर ले लेते हैं, वहाँ पर मिस कर देते हैं ये चीज़। दोस्तों आप लोग को केवल यहाँ पर 9 चैनल या 12 चैनल का मिक्सर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कल आप लोग का लाइव प्रोग्राम भी मिल गया या छोटे मोटे हर कीर्तन प्रोग्राम भी मिल गया तो आप लोग इजीली कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसा ही आप लोग के लिए मिक्सर लेकर आए हैं, जिस मिक्सर में आप लोग को इको का भी फंक्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आहुजा का मिक्सर लिए हैं, जो कि POIDO मिक्सर है। इसका मॉडल नंबर के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो इसका मॉडल नंबर AMX912DP, जो कि ये डिजिटल मीडिया प्लेयर है, यहाँ पर ये मिक्सर होता है दोस्तों। इस मिक्सर के अंदर आप लोग डायरेक्टली USB चिप और ब्लूटूथ के द्वारा इसमें कनेक्ट करके
कर इस मिक्सर को ऑपरेट कर पाएंगे। दोस्तों ये 9 चैनल का मिक्सर होता है जिसके अंदर आप लोग को इको का भी फंक्शन देखने को मिल जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जिस मिक्सर में इको का फंक्शन होता है वो मिक्सर बिल्कुल ही बेस्ट क्वालिटी का होता है, आप लोग को वो बिल्कुल लाउड साउंड निकाल कर देगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इस मिक्सर का प्राइस कितना हो जाएगा। तो दोस्तों इस मिक्सर का अप्रोक्स प्राइस आप लोग को 15,157 रुपया देखने को मिल जाएगा, जो कि ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का इसका प्राइस रेंज है। इसका आप लोग का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से डायरेक्टली जाकर इसे परचेस कर पाएंगे, जो कि ये दोस्तों अमेजोन और फ्लिपकार्ट का लिंक रहेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इस सेटअप को चलाने के लिए हमें एक हैवी स्टेबलाइजर का ज़रूरत पड़ता है। दोस्तों स्टेबलाइजर का ज़रूरत इसलिए पड़ता है कि आपका यहाँ पे पावर कभी अप डाउन करता रहे, आपके एम्पलीफायर और आपके स्पीकर में कोई फॉल्ट ना हो, आपके साउंड सिस्टम में कोई भी फॉल्ट ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग स्टेबलाइजर ले सकते हैं जो कि 5 kVA तक का स्टेबलाइजर ले सकते हैं, जो कि आप लोग का 4500 वाटेज का टोटल यहाँ पर लोड हो रहा है। तो इसलिए आप लोग 5 kVA का लीजिएगा तो 5 kVA से ऊपर का भी लोड स्टेबलाइजर ले सकते हैं, जो कि आप लोग इजिली मार्केट में यहाँ पर 8 से 9 हज़ार के अंदर में आप लोग बनवा भी सकते हैं या ऑनलाइन या किसी से खरीद भी सकते हैं, जो कि कंपनी का भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इस सेटअप को कैसे ऑपरेट कर पाएंगे, यानी इसका कनेक्शन सही क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर 2 मेरा टॉप है जो कि 1000 वाटेज का है, तो 2 मेरा टॉप हो जा रहा है 2000 वाटेज का। और दोस्तों यहाँ पर मेरा बेस जो है यहाँ पे 800 वाटेज का है, तो 2 बेस को कनेक्ट कीजिएगा तो आप लोग का 1600 वाटेज हो जाएगा। बट दोस्तों टॉप आपका कितना ओम पे ऑपरेट होगा और दोस्तों यहाँ पे बेस कितना ओम पे ऑपरेट होगा। तो दोस्तों आपका टॉप 1 हो रहा है 4 ओम का, और दोस्तों यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन कीजिएगा, यानी 2 टॉप को आपस में इसको जोड़िएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 4 ओम से 2 ओम हो जाएगा। और दोस्तों बेस का भी उसी कुछ काम है, तो 8 ओम का आपका बेस है तो दोनों बेस को आपस में जोड़िएगा, यानी रेड रेड वायर एक में और ब्लैक ब्लैक वायर एक में, तो दोनों 8 ओम से क्या हो जाएगा दोस्तों वो आपका 4 ओम हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बेस के लिए देखना है कि 4 ओम पे कितना वाटेज दे रहा है और टॉप के लिए देखना है 2 ओम पे कितना वाटेज दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा टॉप हो रहा है 2000 वाटेज का और 2 ओम पे मेरा एम्पलीफायर दे रहा है 2250 वाटेज। तो ईजिली आप लोग को एक चैनल पर कनेक्ट कर देना है टॉप और इजिली एक चैनल पे कनेक्ट कर देना है बेस। तो बेस का 4 ओम पे आप लोग को 1550 वाटेज दे रहा है और दोस्तों आप लोग का यहाँ पे 1600 वाटेज का हो रहा है आपका बेस। तो दोस्तों 50 वाटेज कोई मायने नहीं रहेगा, आपका बेस भी खुलकर बजेगा और दोस्तों यहाँ पर आपका टॉप भी बजेगा, क्योंकि टॉप के लिए भी यहाँ पे 250 वाटेज ज़्यादा हो रहा है तो आपका एम्पलीफायर भी हिट नहीं होगा और आपका स्पीकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों यही रहा सही मैचिंग, जो कि आप लोग को ओम मैचिंग के द्वारा आप लोग को समझा दिए। तो दोस्तों इस टाइप को आप लोग को यहाँ पे कनेक्शन करना है, जो कि एक ही एम्पलीफायर के अंदर आप लोग को सारा साउंड सिस्टम ये इजिली चल जाएगा। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि इस सेटअप का टोटल प्राइस कितना हो जाएगा। तो दोस्तों इसका टोटल प्राइस आप लोग को 1,96,635 रुपये के बीच में देखने को मिलेगा, जो कि ये प्राइस रेंज में इस सारा सिस्टम को लोग ले सकते हैं और दोस्तों बिल्कुल ही धमाल मचा सकते हैं। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर आपके भी मन में साउंड सिस्टम से रिलेटेड कोई सवाल है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।